हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से भी होंगे। आज मैंने सोचा कि आप सबके साथ अपनी जो है स्किन केयर नाइट की शेयर करूं, ठीक है, क्योंकि सबको जो है चाहिए होता है कि हम नाइट में क्या अप्लाई करते हैं और डे में क्या अप्लाई करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी नाइट केयर रूटीन। ओके जी, सबसे पहले मैंने चेंज कर लिया और इधर मैं यूज़ कर रही हूँ नोवेज की रेंज, बिकॉज़ हमने अपने स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही मेरी स्किन टाइप पर भी वीडियो आएगी कि हमें अपनी स्किन टाइप कैसे पता चलती है। मेरी स्किन जो है वो ऑयली एंड सेंसिटिव है, इसलिए मैं नोवेज की रेंज यूज़ कर रही हूँ। स्पेशल ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ओरिफ्लेम प्रोडक्ट है ये भी। ओके, मैंने अभी रिसेंटली ही इसको ऑर्डर किया है, न्यू है बिल्कुल, मैंने इसको ओपन नहीं किया इसलिए ये बिल्कुल ना आहिस्ता आहिस्ता निकला था दबा दबा कर। वॉइस ओवर मैंने बाद में इसलिए किया बिकॉज इस टाइम वीडियो शूट करते हुए मेरा गला बहुत ख़राब था, नहीं बोला जा रहा था। ये इस तरह की वाइट सी क्लिनजिंग जेल है, इसे जो ना मैं अपने फेस पर लगा कर अच्छी तरह से ना रब करूँगी अपने सॉफ्ट हैंड से। काइंडली अगर आपकी स्किन जो एक्नी वाली है, एक्नी फाइट्स है, तो ना आप कोशिश किया करें जब भी आप किसी चीज़ को अप्लाई करें अपने फेस पर, आपने ना बस ज़ोर से उसको रगड़ना नहीं है, ऐसा ऐसा सॉफ्ट हैंड से उसकी बस हल्की सी मसाज करके उसको फ़ौरन से वॉश कर लेना होता है। सेम मैं भी इसी तरह जो है ना उसको अप्लाई करके जेल को थोड़ा इसे क्लिंस कर रही हूँ अपने फेस को, मैं उसको फिर वॉश कर लूँगी। मैंने बिल्कुल ज़्यादा इसकी स्क्रबिंग नहीं की, हार्ड स्क्रबिंग नहीं की। इससे जो है ना आपके पोर्स जब ओपन हो जाते हैं ना तो फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी एक्नी हो जाती है और ज़्यादा। हम देख सकते हैं मेरे फेस पे भी हल्के हल्के पिंपल्स हैं। अब मैंने इसको वॉश कर लिया है और अब जो है ना मैं टिश्यू पेपर से इसको साफ़ कर रही हूँ, मैं टॉवल यूज़ नहीं कर रही हूँ। और काइंडली आप सभी टॉवल ना यूज़ क्या करें, क्यों, बिकॉज वो उसमें पहले ही बहुत सारे जरासीम होते हैं, वो हमारे स्किन क्लिंस के बाद ओपन हो जाती है, ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो फिर सारे जरासीम स्किन में चले जाते हैं फ़ायदा वॉश करने का। इसलिए आपने टिश्यू पेपर से टैप टैप करके इसको भी ऐसे पुल आउट नहीं करना, टैप टैप करके आपने इसको सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। ओके, ये आइज के नीचे मेरा थोड़ा सा काजल लगा हुआ था बिकॉज़ मैंने मेकअप किया हुआ था, मेकअप सारा मेरा वॉश हो गया है। अब जो है मैं अप्लाई कर लेती हूँ टोनर। टोनर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑप्टिमल्स हाइड्रामेट का, स्पेशल फॉर ऑयली स्किन, ये नहीं नज़र आ रहा था लाइट की वजह से, बट जो है मैं अपनी स्किन टाइप के मुताबिक ही यूज़ कर रही हूँ, नज़र आ रहा होगा आपको। ये भी प्रोडक्ट ओरिफ्लेम का ही है। अब मैंने जो कॉटन ले लिया, ठीक है, तमाम प्रोडक्ट्स अगर कोई फाउंडेशन भी यूज़ करें ना, उसे टैप टैप करके लगाते हैं, उसे पुल आउट या रब नहीं करते। मैंने टोनर भी जो अप्लाई कर रही हूँ उसको टैप टैप करके कर रही हूँ, बहुत स्मूथली कर रही हूँ। टोनर यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पोर्स जो है ना वो बंद हो जाते हैं, और इससे जो है ना आपको एक्नी भी नहीं बनती, स्किन जो है ना आपकी नॉर्मल रहती है। अगर ऑयली है तो आप ऑयली वाला टोनर यूज़ कर लें, ड्राई है तो ड्राई स्किन का टोनर यूज़ कर लें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ओके, मैं नाइट अपनी स्किन केयर रूटीन तो शेयर करी, बट मैं इसको अप्लाई नहीं करती, कभी कभार हो जाए, टाइम नहीं मिलता, बस वुज़ू करके नमाज़ पढ़ के यही सो जाना होता है। अब ये बहुत मेरी जना ड्राई हो गई थी बिकॉज मैंने टोनर अप्लाई किया था। अब जो ना मैं टिश्यू पेपर से अपनी आइज के नीचे साफ़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास आई जेल नहीं है, आई क्रीम नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया हुआ है, मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ, उसमें मैंने ऑर्डर की थी। इंशाल्लाह ताला जब वो मुझे रिसीव होगी मैं उसका भी रिव्यू और उसको यूज़ करने का तरीका आपसे शेयर कर दूँगी। अब मैं ब्लेमिश करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, ये देख सकते हैं मेरे छोटे छोटे पिंपल्स, उनके स्पॉट्स हैं। मैं ये स्पेशल फॉर पिंपल्स, एक्नी या एक्नी स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स के लिए होती है। मैं यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर मेरी एक्नी बनी हुई है या एक्नी स्पॉट्स है, अब यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त है। पहले तो मेरा फेस बहुत ख़राब था, इसको यूज़ करने के बाद और पूरी स्किन केयर रूटीन लेने के बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरी स्किन जो है ना वो ऑलमोस्ट फाइन एंड डन हो चुकी है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे पिंपल्स है ना आपने थोड़ी सी अमाउंट पे लेके इसको अप्लाई करना होता है, वहाँ पे हल्की सी ना बस ऐसे फिंगर को टैप कर देना होता है। ओके, ज़रूरी नहीं कि आपने सारे फेस पे ही अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको मुनासिब लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम मैंने भी इसको अप्लाई कर लिया है आईब्रोज पे, आजकल मुझे बहुत पिंपल्स बन रहे हैं पता नहीं क्यों, इसे
सेट हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप स्किन केयर रूटीन तो शेयर करी लेकिन आपका फेस तो भी ख़राब है, तो काइंडली मैं जो है अभी पूरा 5 to 6 months का कोर्स कर रही हूँ अपने स्किन केयर के लिए। तो ये ऐसा ऐसा आपको इफेक्ट मिलता है, ये नहीं कि आपको एकदम से ही सारा इफेक्ट उठा के दे देते हैं, भाई पकड़ लो तुमने यूज़ कर लिया तुम ठीक होगी, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ लिप पॉप ओरिफ्लेम का, यह बहुत अमेजिंग स्मेल है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है, ठीक है, पिंक होंड पिंक हो जाते हैं, पिंक होंड हो जाते हैं इस तरह। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ सोने के लिए, नमाज़ पढ़ के अब मैंने सो जाना है। अल्लाह हाफिज़।